Hare Krishna students, so in this lecture we will be revising our chapters 3 and 4. Please open to page number 16, chapter number 3, Unity is Strength. So, इस चैप्टर में हम सबसे हम रिवाइज कैसे करेंगे, हम इसका चैप्टर का जल्दी से एक रीकैप लेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग थ्रू दी एक्सरसाइज. ओके, सो इस चैप्टर में हमने क्या स्टोरी थी इस चैप्टर की, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. इसका रीकैप है दैट एक साथ यूनिटी में ये जो पिजन्स थे इनकी जीत हुई थी, और वो जो फाउलर था, फाउलर मतलब शिकारी, वो हार गया था. क्या हो रहा था, एक बार ये सारे इतने सारे पिजन्स उड़ रहे थे किसकी खोज में, खाने की खोज में, और वो एक जंगल के ऊपर से जा रहे थे, और उन्होंने ऊपर से देखा दैट नीचे वीट्स हैं, वीट्स स्कैटर्ड हैं एक नेट के ऊपर, पर उन्हें वो नेट नहीं दिखी थी, उन्हें सिर्फ गेहूं दिखे थे. तो इन पिजन्स में से जो एक बूढ़ा पिजन था, द वाइस पिजन, उन्हें बोला कि देखो ये गेहूं का खेत नहीं है, दिस इज अ फॉरेस्ट, और तो मुझे लगता है दैट ये एक ट्रैप है, हमें इधर नहीं जाना चाहिए. पर उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी, और सारे पिजन्स नीचे उस वीट को देखकर चले गए. और जैसे ही उन्होंने उधर अपने पैर रखे, उन सारे पिजन्स के पैर इस नेट में फंस गए, और वो सब उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पैर फंस गए थे. वो एक ट्रैप था जो एक शिकारी ने उनके लिए रखा था. ओके, तो फिर क्या हुआ, वो सारे जो उन पिजन्स का किंग था, उसने जैसे ही देखा कि वो जो शिकारी है वो पेड़ों के पीछे से निकल कर आ रहा है, और अगर वो एक बार उनके पास आ जाता, उन्हें पकड़ लेता, तो ये सब फिर पकड़ा जाते. तो उनने क्या कहा, उसने बोला कि अपन अब क्या करते हैं, अपन के पास अब कोई भी चांस नहीं है, द लास्ट थिंग इज यूनिटी, अपन सबकी यूनिटी, अपन सब एक साथ उड़ना शुरू करते हैं. तो उससे क्या होगा कि हम एक साथ उड़ेंगे तो ये जो नेट है जो हमारे पैरों में फंसी है वो भी हमारे साथ उड़ जाएगी और हम बच जाएंगे. तो सबने एक साथ उड़ना शुरू करा, और शिकारी जैसे ही उनके पास आया उसके पहले वो उड़ गए थे, और वो अपनी जान उन्होंने बचा ली, और फिर उड़ते उड़ते वो अपने फ्रेंड माउस के घर पे गए, और उस माउस ने क्या करा, उनके पैरों में जो ये नेट फंसी हुई थी उसे ही बाइटेड, उसने उसे बाइट करके उसे फ्री कर दिया. और तो पिजन्स को इससे क्या लेसन मिला, दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. मतलब यूनिटी मतलब उन्हें एक साथ उड़ना शुरू करा था ना जब ही वो बच्चे, तो जब हम एक साथ रहते हैं वही हमारी ताकत होती है. ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग्स, अनअवेयर मतलब किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता रहना, ट्रैप मतलब एक जाल, फाउलर मतलब शिकारी जो बर्ड्स को एनिमल्स को पकड़ता है उसे हम बोलते हैं फाउलर. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है, नंबर वन, द फ्लॉक ऑफ पिजन्स क्या ढूंढ रहे थे, फूड, खाना. नंबर टू, द हंटर स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ, क्या स्कैटर करा था उसने, वीट. नंबर थ्री, द हंटर वॉज वेरी, जब हंटर ने देखा कि पिजन्स उसके नेट में पकड़ने में आ गए, तो हंटर को कैसा फील हो रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैड. नंबर फोर, वो सब एक जगह पहुंचे जहां पर उनका दोस्त कौन रहता था, माउस उनका दोस्त था. द माउस वॉज वेरी नटोरियस मतलब मस्तीखोर था, काइंड मतलब अच्छे दिल का था, या रूड कैसा था, ही वॉज काइंड. ओके, कम ऑन टू द पेज नंबर 18,
क्वेश्चन एंड आंसर्स नंबर वन, व्हाट वाज द फ्लॉक ऑफ पिजन्स सर्चिंग, वो क्या ढूंढ रहे थे? द फ्लॉक ऑफ पिजन्स वॉज सर्चिंग सम फूड. क्वेश्चन टू, व्हाट डिड द ओल्ड पिजन एडवाइस, ओल्ड पिजन ने एडवाइस करा दैट डोंट गो डाउन, ये एक फॉरेस्ट है, फार्म नहीं है, सो इट्स अ ट्रैप. द ओल्ड पिजन एडवाइज नॉट टू गो डाउन टू ईट दोज ग्रेन्स बिकॉज इट्स अ फॉरेस्ट. नंबर थ्री, हाउ वर द पिजन्स ट्रैप्ड इन द नेट, कैसे? व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग दोज ग्रेन्स देन दे गॉट ट्रैप्ड इन द नेट. क्वेश्चन फोर, व्हाट डिड द पिजन्स डू टू लिफ्ट द नेट, उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक साथ उड़ना शुरू करा. दे गैदर्ड एंड लिफ्टेड द नेट विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ एंड फ्लेव अवे, उन सब ने एक साथ उड़ना शुरू करा और वो उधर से उड़ गए. लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो फॉर हेल्प, वो अपने दोस्त माउस के पास गए थे फॉर हेल्प. दे वेंट टू देयर फ्रेंड फॉर फ्रेंड माउस, अपनी मदद के लिए. ओके, सो हियर फिनिशेस अवर चैप्टर थ्री. कम टू द चैप्टर नंबर फोर फॉर रिविजन. चैप्टर नंबर फोर, कथकली. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में वी रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कथकली, कि कथकली कहाँ का डांस है और इस डांस में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका मेकअप कैसा रहता है और उनकी ड्रेसेस कैसे रहती हैं. ओके, सो ये कहाँ डांस ओरिजिनेट हुआ था? इट ओरिजिनेटेड इन केरला 17th सेंचुरी में. और इस डांस में क्या क्या होता है? इस डांस में कथा मीन्स ड्रामा, प्ले होता है और डांस होता है. इस डांस में पांच चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है. क्या रहती है वो पांच चीजें? लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग एंड मेकअप, एक्टिंग एंड डांस. और ये डांस में जो ड्रामा होता है वो कौन सी टेल्स के ऊपर बेस्ड रहता है? महाभारत एंड रामायण. ओके, इस डांस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? मेकअप एंड गेस्टर्स. ओके, और फिर आपको इधर देकर रखा है कि ग्रीन मेकअप होता है वो क्यों होता है, जो ब्लैक मेकअप होता है वो क्यों होता है, मिनुकू ये मेकअप किस पे होता है, थाड़ी एंड काथी ये सारे मेकअप कैरेक्टर्स कब करते हैं. ओके, जब वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हो, जैसे कि राजा का मेकअप, जैसे लॉर्ड किंग राम, लॉर्ड राम लक्ष्मण, तो वो मेकअप होता है ग्रीन में. जब इविल कैरेक्टर्स जैसे सुरपनखा और इविल कैरेक्टर्स का जब मेकअप होता है तो वो मेकअप होता है ब्लैक में. और जब विमेन रहती हैं तो उनका मेकअप होता है शाइनी येलो फेसेस में. सो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी. ओके, फिर हमने पढ़ा था दैट इसमें म्यूजिक कौन सा रहता है जो यूज होता है, दैट इट्स अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत. इसमें ये दो म्यूजिक मिक्स रहता है. ओके, कमिंग टू द एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग्स. इनैक्ट मतलब प्ले करना, मतलब ड्रामा करना. एपिक्स मतलब स्टोरीज, हमारे जो शास्त्रों में देकर रखा है उसे हम बोलते हैं एपिक्स, जैसे कि महाभारत एंड रामायण. गेस्टर्स मतलब हैंड मूवमेंट्स, फेशियल मतलब हमारे चेहरे का चेंज होना, एक्सप्रेशंस. एलैबोरेट मतलब किसी चीज को डिटेल में बताना. रिदमेटिक मतलब म्यूजिक के साथ चलना. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कथकली कहाँ केरला में कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 17th सेंचुरी. कथकली कॉम्बिनेशन है कितनी चीजों का? हमने पढ़ा था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव थिंग्स. और जो फेसेस ऑफ इविल कैरेक्टर्स हैं उन्हें कौन से कलर में करते हैं? ब्लैक कलर. हनुमान जी जो हीरोज के चेहरे होते हैं उसे कौन से कलर में करते हैं? व्हाइट. और जो सॉफ्ट टोन रहती है इस डांस के म्यूजिक में
उसे हम क्या बोलते हैं? इदका। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, हाउ इज द वर्ड कथकली फॉर्म्ड, व्हाट डज इट मीन? कथकली का मतलब होता है कथा मतलब ड्रामा, एंड कली कली मतलब डांस। ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। What are the five forms art that combined in Kathakali? Kathakali में पांच different form होते हैं art के, उसे हम क्या बोलते हैं? Literature, music, painting, makeup, acting and dance. Okay? Question 3. How do the actors tell the story without any dialogue? क्योंकि वो बोलते तो है नहीं, और Kathakali में drama होता है, तो वो कैसे बोलते हैं? Through gestures, facial expressions and body movements. What are the five main roles in Kathakali? जो Kathakali के डांस में पांच मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे राजा, evil इंसान, एक लेडी का कैरेक्टर, उनके नाम क्या है? ये पांच: पाछा, कारी, मिनुक्कु, थाड़ी एंड काथी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what kind of music? Kathakali में म्यूजिक कौन सा यूज होता है? The language of the songs used for Kathakali is a mix of मलयालम एंड संस्कृत, इन दो का मिक्स रहता है। ओके, सो हियर फिनिशेस द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 कथकली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।